एरिका फर्नांडिस को जल्द से जल्द फैंस किसी प्रोजेक्ट में देखना चाहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक्ट्रेस ने कुछ म्यूजिक वीडियो शूट किए हैं, वही सितंबर में आने वाले थे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो आस्क मी सेशन में इंस्टाग्राम पर एरिका फर्नांडिस से एक फैन ने इस बारे में पूछा और एक्ट्रेस ने कहा, अगर मेरे हाथ में होता तो कब का रिलीज करवा देती ना, पेशेंस दोस्त, सब अपने टाइम पे ही होता है। इसके अलावा किसी फैन ने ये भी पूछा एरिका से कि क्या वो दुबई में रहती है, और क्योंकि वो बार बार दुबई विजिट करती रहती हैं, उन्होंने एक लेटेस्ट वीडियो भी शेयर किया है जहां वो दुबई में डांस करती दिख रही हैं, तो एक्ट्रेस ने कहा, इट्स बिकॉज आई लिव हेयर टू, होम स्वीट होम। एरिका फर्नांडिस का एक घर दुबई में भी है। एरिका के बॉयफ्रेंड के बारे में जब एक फैन ने पूछा तो एक्ट्रेस ने लिखा, अरे रे, बॉयफ्रेंड अगर होगा तो रिवील हो सकता है ना। वहीं उनकी एक रिंग के बारे में पूछते हुए फैन ने लिखा, आपको एंगेजमेंट हो गई है क्या, जिस पर एक्ट्रेस ने कहा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट नोपीज, आई गिफ्टेड दिस रिंग टू माय सेल्फ। ब्रह्मास्त्र के बारे में भी एक फैन ने पूछा तो एरिका ने कहा कि हाँ, उन्होंने ये फिल्म देखी है। एरिका ने लिखा, इट वॉज अ ग्रेट ट्राई बट नॉट अ सक्सेसफुल वन, इट वॉज अ फिल्म हाई ऑन VFX विच वॉज ब्यूटिफुली डन, बट आई विश देयर वर मोर एफर्ट्स पुट इन टू ट्रेनिंग द एक्टर्स फॉर दिस काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग, and it was not directed by a director whose forte has only been romance. Nevertheless, this is a baby step forward, making things bigger and better in Bollywood too. Everyone learns from their mistakes and I hope some good comes out of this too. इसके बाद एरिका ने clearly mention किया कि ये सिर्फ उनकी opinion है ब्रह्मास्त्र film को लेकर। एरिका फर्नांडिस से कई बार उनके skinny होने पर भी बात की गई है, और एक fan ने यहाँ पर पूछा कि वो स्किनी होने वाली इनसिक्योरिटी से कैसे डील करती हैं, तो एक्ट्रेस ने कहा कि अब वो स्किनी नहीं है, अब वो एकदम परफेक्ट शेप में है, लेकिन वो जब स्किनी थी भी तब भी उन्होंने इसे एज इनसिक्योरिटी कभी भी नहीं लिया था, और अब उन्होंने अपनी डाइट पर भी फोकस किया है, पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर ईटिंग भी कर लेती थी।